आपने प्लेन्स तो देखा ही होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे पीवीएस ने सारे मैचेस में अपना डोमिनेशन दिखाया। पर आपने नोटिस किया था पीवीएस और टीम इलाइट और टीएसएम और टीम इलाइट के बीच आमना सामना दो बार हुआ था। मुझे पता है लाइव स्ट्रीम में ये सब बहुत कम ही नोटिस होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल डेटा में देखते हैं और उसमें से मैं भी हूं। आपको शायद नहीं पता मीडिया एंड गेम में जितने भी क्लैश होते हैं वो बस एक कॉन्सिडेंसी। आप अगर किसी भी स्पोर्ट प्लेयर की टूर्नामेंट हाईलाइट देखोगे तो आपको ये वाला बंडल जरूर दिखेगा। अब क्यों दिखता है ये आप बताना, मैं वीडियो में इनके क्लैशेस के बारे में दिखाता हूँ। टीएसएम और टीम इलाइट के बीच फर्स्ट मैच में ही क्लैश होता है पोचोनिक में। आप नोटिस करोगे कि आइकॉनिक बाहर से ग्रेनेड कर रहे हैं लेकिन क्रोनो की शील्ड की वजह से टीएसएम के मेंबर बच जाते हैं। इसमें टीएसएम टीम इलाइट को 11th पोजीशन में ही वाइप आउट कर देते हैं। आपको एक बात बता दूं कि शॉर्ट रेंज फाइट में दोनों टीम्स का 50-50 चांस होता है जीतने। इस फाइट में आपने एक चीज गौर किया, इसमें टीएसएम ने घर के अंदर इतने ग्लू वॉल्स लगाए कि टीम इलाइट के मेंबर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि उनके ओपोनेंट कहां कहां। और देखो भाई क्रोनो की पावर कितनी भी कम कर दो लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और कोई नहीं है फ्री फायर। और आपने एक चीज नोटिस किया था पीवीएस गेमिंग ने कितना एक्यूरेट जोन प्रेडिक्ट किया था इस मैच में। पीवीएस और टीम इलाइट का क्लैश राउंड 3 कालाहारी मैप में होता है। इसमें आइकॉनिक एक बेस्ट एग्जांपल दिखाते हैं कि एक ग्रेनेडर का कितना रोल होता है टीम में। आइकॉनिक की वजह से टीम इलाइट के दूसरे मेंबर्स को उतना मुश्किल नहीं हुआ पीवीएस को वाइप आउट करने में। यही मैच था टर्निंग पॉइंट टीम इलाइट के लिए। यही से टीम इलाइट ने बहुत अच्छा कमबैक किया और फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। इसके अगले ही मैच में टीम इलाइट का आमना सामना टीएसएम से होता है। वो अलग बात है अनजाने में ही होता है लेकिन होता है। इस मैच में टीम इलाइट वाइप आउट होने से बाल बाल बची। वो तो पहाड़ी भैया ने एंड में टीएसएम के मेंबर्स को वाइप आउट कर दिया और सारे टीम इलाइट के मेंबर्स को रिवाइव भी कर दिया। यहां पर टीएसएम बहुत बड़ा गलती करती है और टीएसएम ही नहीं बाकी बहुत सारे टीम्स भी यही गलती करती है। वो गलती है कि अगर आप एनिमी को नॉकडाउन कर रहे हो तो कंप्लीटली फिनिश ऑफ भी कर दो क्योंकि आपको पता है किल्स के पॉइंट मिलते। अगर यहाँ पर टीएसएम तीनों मेंबर को फिनिश ऑफ कर देते तो उन्हें और 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और ये गलती मैंने बहुत सारे टीम्स को भी देखा है करते हुए। और इस फाइट के बाद लास्ट में पीवीएस और टीम इलाइट के बीच क्लैश होता है। इसमें पहाड़ी अपने स्नाइपर की स्किल का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं लेकिन इस फाइट में पीवीएस कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ते हैं। इस मैच में भी आपने अगर नोटिस किया होगा तो पीवीएस ने कितना अच्छा जोन प्रेडिक्ट किया था, देखिए यहीं पर लास्ट जोन भी बना। अगर आप स्पोर्ट टीम बनाने की सोच रहे हो तो उससे पहले जोन प्रेडिक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल का सीखो। इसमें 2-3 चीजें और थी जिसमें आपका ध्यान नहीं गया होगा। पहला ये कि टीम इलाइट को 2 मैप में ब्लू जोन मिला था, मींस उनके ड्रॉप लोकेशन में 2 मैप में ब्लू जोन बना था। दूसरी बात, एक भी अंडरडॉग्स टीम फाइनल में क्वालिफाई नहीं हुए जो कि उनके लिए थोड़ी खराब बात थी। तीसरा, क्या आपने एक चीज नोटिस किया, कोई भी टीम का क्लैश लैंडिंग नहीं हुआ। सब टीम्स ने शायद एक एग्रीमेंट में साइन किया होगा कि भाई लोग आराम से पहले लूटने का फिर बाद में फाइट लेने का। और लास्ट LR7 फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। अब इसमें खास बात आपको क्या लगी? खास बात ये कि फाइनल में आपको क्लैश लैंडिंग देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा क्लैश लैंडिंग देखने को तो वो LR7 स्पोर्ट ही करेगी, देखना। LR7 एक ऐसी टीम है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, तो देखते हैं इस बार फाइनल में वो क्या कारनामा दिखाती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।